चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन आपका होना चाहिए कि ये वन अपॉन कुछ क्वाड्रेटिक है ना, और क्वाड्रेटिक भी ऐसी है जो फैक्टराइजेबल है। क्यों फैक्टराइजेबल है? क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आने वाला है? ग्रेटर देन जीरो आने वाला है। खैर, और फैक्टराइज कैसे होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म से। ठीक, करते क्या है हम लोग, सबसे पहला काम आपका होगा कि इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, है ना। तो सबसे फर्स्ट एंकर पॉइंट हो गया कि जस्ट डू द पार्शियल फ्रैक्शन। आप इसको पहले लीनियर फैक्टर में ब्रेक करिए, से वन अपॉन ये नाइन को आप क्या लिख सकते हो, थ्री का स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या जानते हैं आप, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। तो हम लिख दे रहे हैं एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस थ्री। अब जो ये रेशनल एक्सप्रेशन है, चूंकि प्रॉपर है, डिनोमिनेटर की डिग्री जो आपकी पड़ी हुई है वो ज़्यादा है डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर। खैर, इसे हम क्या एज्यूम कर लेंगे, ए अपॉन द लीनियर फैक्टर एक्स प्लस थ्री एंड प्लस बी अपॉन लीनियर फैक्टर एक्स माइनस थ्री हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। कैसे करते हैं हम लोग, इस एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या आ जाएगा आपका, x प्लस थ्री यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, x माइनस थ्री बचेगा। और जब ये एक्सप्रेशन यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो x माइनस थ्री कैंसिल होगा और क्या बचेगा आपका, b टाइम्स x प्लस थ्री बचेगा। होल एक्सप्रेशन, चाहे हम इसकी बात कर ले या इसकी बात कर ले, दोनों ही एक्सप्रेशन आपकी आइडेंटिटी हैं। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, दैट एक्सप्रेशन विच इज़ ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, ठीक है। चाहे मर्जी कुछ भी रख दीजिए एक्स की वैल्यू, वो हमेशा एक्सप्रेशन जो भी वैल्यू देगी वो ट्रू होगी। हमें क्या करना है, मेरा काम तो है ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना, पहले ए और बी मिलना चाहिए। तो कुछ हम लोग पर्टिकुलर ऐसा रखेंगे ताकि हमारा ए और बी की वैल्यू आ जाए। क्या रखा जाए, बी को अब्सेंट करा दिया जाए, है ना। कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को जीरो बनाना पड़ेगा। इसका मतलब एक्स की वैल्यू माइनस थ्री प्लेस कर दें तो बी अब्सेंट हो जाएगा। क्या रखेंगे हम लोग, पुटिंग x इक्वल्स टू माइनस थ्री। तो इधर आ जाएगा आपका वन इक्वल्स टू a टाइम्स माइनस थ्री एंड माइनस थ्री, और ये आपका अब्सेंट हो जाएगा, b इंटू जीरो हो जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ से, कम्स आउट टू बी वन अपॉन माइनस सिक्स, या माइनस वन अपॉन सिक्स कह सकते हैं, दैट इज द वन ऑफ द वैल्यू। सेकेंड आप क्या करोगे, जब b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a को ऑब्सेंट करा दीजिए। a को ऑब्सेंट कराने के लिए इसका कोफिशिएंट जीरो बनाना पड़ेगा, उसके लिए x माइनस थ्री जीरो हो जाए, मतलब x क्या हो जाए, थ्री हो जाए। तो थ्री वैल्यू प्लेस कर देते हैं, यहाँ लिख देंगे पुटिंग x इक्वल्स टू थ्री, क्या हो जाएगा, दैट इज a इंटू जीरो आ जाएगा प्लस b इंटू आपका क्या हो जाएगा, थ्री प्लस थ्री सिक्स हो जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई आपकी, वन बाई सिक्स आ गई, तो b इक्वल्स टू वन बाई सिक्स। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, रेशनल फंक्शन आ गया। जो ये आपके पास एक कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन था, वो थोड़ा और सिंपलर फ्रैक्शन में ब्रेक होके आपके पास दो इंडिविजुअल लीनियर फैक्टर के एक्सप्रेशंस आ गए। खैर, अब हमारा नेक्स्ट एंकर पॉइंट होगा, पहला एंकर पॉइंट था क्या, आपको इसको क्या करना था, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना था। एंड सेकेंड आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और थर्ड आप क्या करोगे, उसको रिकलेक्ट करोगे लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करके। चलिए इंटीग्रेट करते हैं हम लोग। तो हम कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन डी एक्स, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस टू एक्सप्रेशंस इंडिविजुअली। क्या हो जाएगा, ए अपॉन एक्स प्लस थ्री डी एक्स एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी अपॉन एक्स माइनस थ्री डी एक्स हो गया, ठीक है। अब ए कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लेते हैं हम लोग, तो ए बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस थ्री डी एक्स, बी कॉन्स्टेंट है बाहर कर लेते हैं, वन अपॉन एक्स माइनस थ्री डी एक्स। अच्छा, ए और बी की वैल्यू आप पहले भी प्लेस कर सकते हो, चलिए हम लोग बाद में कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको फाइनल आंसर तक तो ले नहीं जाना अननोन की तरह। खैर, यहाँ पे हो जाएगा a log ऑफ mod x प्लस थ्री हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, b टाइम्स log ऑफ mod x माइनस थ्री हो जाएगा, ठीक है। और प्लस वन इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट आपका क्या हो गया, c हो गया है।
जहाँ इंटीग्रेशन खत्म हो वहाँ पे आप इंडेफिनिट कांस्टेंट प्लेस कर दीजिए। ए की वैल्यू हम यहाँ प्लेस कर देते हैं, दैट इज माइनस वन बाई सिक्स और लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री प्लस बी की वैल्यू वन बाई सिक्स लॉग ऑफ क्या हो जाएगा एक्स माइनस थ्री प्लस सी। अब देखिए वन बाई सिक्स हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। जब वन बाई सिक्स आप कॉमन कर लोगे तो माइनस अंदर रहने देते हैं, वन बाई सिक्स बाहर आ गया तो ये वन बाई सिक्स चला गया, ठीक है। अब देखिए लॉग की प्रॉपर्टी है ना, थर्ड एंगल पॉइंट पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं, तो लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपॉन क्या होता है, लॉग लॉग एम अपॉन एन होता है, तो इट कुड बी रिटन एज ए लॉग ऑफ क्या हो जाएगा मॉड एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस, दोनों का मॉड इंडिविजुअली लिखें या पूरा लिख दें इस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज प्लस इंडेफिनिट, दैट इज योर फाइनल आंसर।